नमस्कार दोस्तों, नाउन का ये प्रैक्टिस सेट टू है। इसके पहले मैंने सेट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए। यदि आपको नाउन से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, ये सेट देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड आउट द इदर इनिश ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी, इफ देयर इज नो इदर यू आंसर इज ई। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, उसको पांच भागों में बांटा गया है। यदि आपको लगता है कि किसी भाग में गलती है तो आप उसका आंसर उसी भाग में इंगित ए बी सी डी, मतलब जिस भाग में गलती है उसको आंसर देंगे। अदरवाइज आपका लगता है कि आंसर सही है, मतलब किसी भी प्रकार के सेंटेंस में गलती नहीं है, कोई इरर नहीं है, तो आप आंसर के रूप में ई मार्क करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन, नो इरर। तो देखिए अपना आंसर कमेंट में लिखते चलिए, आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर है कमेंट में चलिए लिखिए। चलिए अब इसको देखते हैं किसके किस भाग में गलती है। देखिए यहाँ पे दिज दिया हुआ है, दिज दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद हमेशा प्लूरल नंबर का प्रयोग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टाइप लिखा गया है, ये टाइप ना लेकर टाइप्स होना चाहिए, इसको प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर लिखना जरूरी है, क्योंकि दीज के बाद हमेशा प्लूरल नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए में यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, देयर आर ओनली सर्टेन बॉय डैट आर सिंसियर एंड डेलीजेंट एंड डैट कैन डू इन द एग्जामिनेशन वेल, सेड द क्लास टीचर, नो इरर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे सर्टेन दिया गया है, सर्टेन के बाद हमेशा प्लूरल नंबर का प्रयोग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बॉय ना होकर बॉयज होना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पर आप बॉयज नहीं करना चाहते थे तो यहाँ पर आप असर्टेन करके भी लिख सकते थे, लेकिन आगे जो वर्ब दिया गया है एक्जिलरी वर्ब, वो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर सर्टेन बॉयज ही सही होगा। असर्टेन के बाद सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ सर्टेन के बाद, सिर्फ सर्टेन के बाद प्लूरल नंबर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टलेस इन माय लाइफ, सेड द पासर बाई, नो इरर। देखिए आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें कहाँ पर इरर है। आई हैव नेवर सीन, इस भाग में तो कोई इरर नहीं है, सच अ लवली स्पेक्टलेस इन माई लाइफ सेड द पासर बाई, नो इरर। देखिए यहाँ पे स्पेक्टलेस का मीनिंग का डिफरेंट है। देखिए स्पेक्टलेस का एक मीनिंग होता है चश्मा और दूसरा मीनिंग होता है दृश्य। यहाँ पे चश्मा का मीनिंग नहीं मिल रहा है, यहाँ पे दृश्य का मीनिंग मिल रहा है, तो यहाँ पर स्पेक्टलेस ना होकर स्पेक्टल होगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। स्पेक्टल्स हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, यहाँ से एस आपको हटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर बी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डो नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, नो इरर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। आई डू माई बेस्ट, इस भाग में तो कोई गलती नहीं है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आई डो नॉट गेट एक्सपेक्टेड, ये भी बिल्कुल सही है, मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इस सेंटेंस के किसी भी भाग में गलती नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, नो इरर। यदि आप इसमें इरर बनाना चाहें तो आप मार्क्स सिर्फ एस रिमूव कर देते तो इरर हो जाता है, क्योंकि मार्क का मतलब होता है चिन्ह और मार्क्स का मतलब होता है प्राप्तांक, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव पर चलते हैं। यू आर एमोंग दोज लकीस्ट मैन हु अटेंड नेम एंड फेम नॉट बाई लेबर बट बाई चांस, नो इरर। देखिए सेंटेंस के किस भाग में गलती है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं।
यहाँ पर देखिए दोज दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि दीज और दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और इनके बाद हमेशा प्लूरल नंबर का प्रयोग होता है। दोज होने के कारण यहाँ पर मैन का प्लूरल रूप यानी मैन MEN होना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी में आपको यहाँ पर इरर है। इसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझ में जरूर आया होगा कि दीज दोज एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद हमेशा प्लूरल नंबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन अ ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती है। नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। इवन अ ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो स्पिरिट्स में से हम सिर्फ एस रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस गलती हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक है। स्पिरिट का मतलब होता है सॉल, आत्मा, और स्पिरिट्स का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओइंग टू हिज हैप्पी इंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ऑफ विच द पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी, नो इरर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस भाग में गलती है। तो देखिए यहाँ पे जो 2/3 है इसको प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि 2 के बाद 3rd, यहाँ पे 3rds में एस होना चाहिए। तो सेंटेंस का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको इरर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई नो नथिंग अबाउट हीज वेयर अबाउट डू यू ही सेड टू मी, नो इरर। देखिए जो ये सेंटेंस है यहाँ पर वेयर अबाउट के बदले वेयर अबाउट्स होना चाहिए। वेयर अबाउट में सिर्फ आपको एस ऐड करना है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अता पता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नाउ आई हैव कम टू नो वाई ही ऑलवेज रिमेन एट अ लोगर्स हेड विथ हिज वाइफ एंड मदर्स इन लॉ, नो इरर। देखिए और बताइए कि सेंटेंस के किस भाग में गलती है या नहीं है, क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए अब देखते हैं, नाउ आई हैव कम टू नो वाई ही ऑलवेज, यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, रिमेन्स एंड लोगर्स हेड्स। देखिए यहाँ पर लोगर्स हेड ना होकर लोगर हेड्स होगा, क्योंकि जो एस यहाँ पर है वो इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको लोगर होना चाहिए, और जो हेड है इसके साथ आपको एस लगेगा, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है डिसएग्रीमेंट। एट लोगर हेड्स का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि सी में यहाँ पे इधर है, सेंटेंस में एस इधर नहीं इधर लगना चाहिए, सेकेंड वाले पार्ट में लगना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ही सेड दैट अ 2 mile वॉक ऑलवेज कीप हिम हेल्दी एंड फ्रेश, नो इरर। चलिए देखिए अब बताइए कि इस क्वेश्चन में किस भाग में गलती है या इस क्वेश्चन नो इरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए देखते हैं, ही सेड दैट, यहाँ तो किसी भी प्रकार का इस पार्ट में तो गलती नहीं दिख रहा है। अ 2 mile वॉक, इसमें गलती है और क्या गलती है आगे समझेंगे। ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश, और सब भाग बिल्कुल सही है। देखिए अ 2 miles वॉक, ए 2 miles वॉक ना होगा, ए 2 mile वॉक होगा, अ 2 mile वॉक होगा, क्योंकि ये देखिए नाउन का कार्य कर रहा है और ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और एडजेक्टिव के साथ आपको एस नहीं लगाना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग इसका जो इरर हो जाएगा सी में हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा बतलाया गया कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।